Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution Channel. Friends, आज का ये टॉपिक रोम के ऊपर है, तो चलिए ये समझते हैं रोम क्या होता है और इसे कैसे यूज किया जाता है। बहुत सारे लोगों को रोम के बारे में बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि वो मोबाइल के बारे में सोचते हैं, फिर कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि रोम क्या होता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा और समझाऊंगा कि ये रोम क्या होता है और इसको कैसे यूज किया जाता है, किस तरह से हमारे यूज में आता है और ये रैम से कैसे अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि रोम क्या होता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। देखिए इसे रीड ओनली मेमोरी ही कहा जाता है, आपको किताबों में भी यही डेफिनेशन मिलेगी, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मीन्स क्या होता है? रीड ओनली मतलब कि सिर्फ रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता है, किताबों में यही डेफिनेशन उपलब्ध है। ओके, लेकिन सच्चाई क्या है कि इसको 100 में से 99 बार रीड किया जा सकता है, तो एक बार राइट भी किया जा सकता है, 90 बार 95 बार अगर ये रीड होता है तो एक बार राइट भी होता है, ये इसकी सच्चाई है। और कई प्रकार के रोम है, रोम वैसे तो जनरली 3 टाइप्स के रोम आपको मालूम होंगे या 4 टाइप के, जैसे पी रोम बोलते हैं, ईपी रोम बोलते हैं और E²P रोम बोलते हैं, या इसे ही ईपी रोम भी बोलते हैं। तो होता क्या है कि एक एम रोम भी आता है, तो आप एम रोम पहले आता था, तो आपको ये टाइप्स पता होंगे लेकिन ये समझ में नहीं आता होगा कि रोम में क्या होता है, रोम क्या चीज है और इसमें कौन सा डाटा स्टोर होता है। तो मैं अभी कंप्यूटर की बात कर लेता हूँ, कंप्यूटर या लैपटॉप की बात करता हूँ, तो रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, लेकिन इसमें डेटा राइट भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ रीड ही हो। हाँ, रीड होता है, 100 में से 95 बार रीड होता है लेकिन 5 बार राइट भी होता है डेटा। तो आइए चलिए जानते हैं, इसमें देखिए लिखा हुआ है रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, इसको कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। That is nothing can be written on it, इस पे कुछ लिखा नहीं जा सकता, जबकि ये सच्चाई नहीं है लेकिन किताबों में डेफिनेशन यही मिलेगी आपको, ठीक है। चूंकि मेजोरिटी टाइम डेटा रीड ही होता है, राइट नहीं होता है, इस कारण से इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इसके बाद इट इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल का क्या मतलब होता है? नॉन वोलाटाइल मतलब कि जैसे ही पावर सप्लाई यानी बिजली गई, डेटा नहीं जाएगा, इसे नॉन वोलाटाइल बोला जाता है, ठीक है। देखिए यहां लिखा हुआ है, इट मींस व्हेन पावर सप्लाई दैट अप्लाइड टू द यूनिट इज गोज ऑफ द डाटा, दिया हुआ है विल, द डाटा विल नॉट बी इरेज्ड, ओके, यानी कि डाटा नहीं जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद यहां दिया हुआ है, बट इफ वी टॉक अबाउट, अगर हम बात करें रैम के बारे में, तो रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होती है, मींस कि बिजली जाने के साथ साथ डेटा भी चला जाता है इसका, तो ये रैम का फीचर है, ठीक है। और रोम क्या होता है जो हम पढ़ रहे हैं? रोम जो है एक नॉन वोलाटाइल होती है, मतलब डेटा इसका नहीं जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, द पावर सप्लाई दैट अप्लाइड टू द यूनिट इज गोज ऑफ, तो ये तो रैम का हो गया आपका, ठीक है। रैम में क्या होता है कि पावर सप्लाई जाने के साथ साथ डेटा चला जाता है, ठीक है। यू कैन नॉट गिव फुल डेफिनेशन रोम बाय इट्स नेम, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे कि रोम आपने पढ़ा है, तो रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, तो सिर्फ आप इसके फुल फॉर्म या डेफिनेशन से ये पता नहीं कर सकते, किताबी ज्ञान के आधार पर ही सिर्फ पता नहीं कर सकते आप कि रोम क्या होता है, ठीक है। रोम को समझने के लिए थोड़ा सा आपको इंटरनेट का भी सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरनेट के जरिए आपको ये पता लग जाएगा, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में कि रोम जो है 90% 95% डेटा इसमें क्या होता है? रीड होता है, इस कारण इसे रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। रोम इज परमानेंट एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा, रोम में डेटा परमानेंट जो है स्टोर रहता है, ठीक है, जबकि रैम में जो है परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्पररी मेमोरी होती है, ठीक है। दोनों प्राइमरी मेमोरी के ही टाइप है, ठीक है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी जिसे मेन मेमोरी बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी बोलते हैं। किसको? प्राइमरी मेमोरी को, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी ही मेन मेमोरी कहलाती है, ठीक है। और ये 2 प्रकार की होती है, पहला रैम और दूसरा रोम। तो जो रैम है वो जो है वोलाटाइल टाइप का, वोलाटाइल नेचर का होता है, ठीक है। वोलाटाइल का मतलब होता है कि डेटा चला जाता है,
लाइट जाने के साथ साथ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्जांपल की, ठीक है। एग्जांपल क्या होगा, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रोम इज बायोज, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं बायोज, ये देखिए यहां लिखा हुआ है द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रोम इज बायोज एंड फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की कड़ी होती है, वो एक हार्डवेयर भी होता है एक सॉफ्टवेयर भी होता है। जैसे आप बात करें टीवी के रिमोट, हर किसी के घर में रिमोट वाला टीवी तो जरूर होगा, तो वो जो टीवी का रिमोट है उसमें भी तो कोई सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, आखिर कौन से सॉफ्टवेयर से वो चलता है। वॉशिंग मशीन की बात करें तो वॉशिंग मशीन को आप इंस्ट्रक्शन देते हो, जो नए प्रकार के वॉशिंग मशीन आए हैं उनमें, तो वो उससे कैसे पता लगता है कि ये काम करना है, ठीक है। तो टीवी के रिमोट का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं फर्मवेयर को समझने के लिए। जैसे आपको चैनल नंबर 22 देखना है तो 22 आप टाइप करते हो रिमोट से और टीवी में अपने आप चैनल चेंज हो जाता है, ये काम होता है फर्मवेयर का, ठीक है। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच की कड़ी होती है, बीच की चेन होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, ये बायोस जो होता है, बायोस बायोस जिसे हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि ये कैसा दिखता है, ठीक है। वो बायोस जो है रोम का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और जो बूटिंग प्रोसेस होती है कंप्यूटर के स्टार्ट, जब हम करते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो पहली प्रोसेस होती है उसे हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं, तो वो बूटिंग प्रोसेस जो है बायोस में जाकर के पूरी होती है, ठीक है। बायोस में ही ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है और वही चीज जो है बायोस वही होती है, यानी रोम का बेस्ट एग्जांपल क्या है, बायोस है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं कि बायोस कैसा दिखता है, मैं आपको अभी दिखाता हूं, एक मिनट, ये देखिए, थोड़ा टाइम लग रहा है इंटरनेट ऑन होने में, देख सकते हैं इसको बायोस, मैं आपको दिखाता हूं, आप नेट पर सर्च करके बायोस देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए मैंने जैसे ही बायोस सर्च किया है तो यहां पे इमेज पे क्लिक करता हूं और हम लोग देख पाएंगे कि बायोस जो है कैसा होता है, ठीक है। ये देखिए ये होता है बायोस, ये आप देख सकते हैं। ऐसा जब आप सिस्टम को आमतौर पे फॉर्मेट करते जाते हैं तो ये विंडो खुल करके आती है, या एक ऐसी विंडो दिखती है आपको, ठीक है, या ऐसी विंडो दिखती है, या ऐसी विंडो दिखती है, तो इसे हम बायोस कहते हैं, ठीक है। अब बायोस देखने में कैसा होता है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। जो बायोस चिप होती है, जो चिप हमारे सिस्टम में लगी होती है बायोस की, वो कैसी होती है वो भी देख लेते हैं। बायोस भी एक फर्मवेयर होता है, फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की कड़ी होती है, वो ना तो हार्डवेयर होता है ना तो सॉफ्टवेयर होता है, तो उसे हम फर्मवेयर कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्मवेयर, ठीक है। थोड़ा और नीचे आते हैं, ये देखिए ये चिप जो है बायोस चिप कहलाती है, ये आप देख सकते हैं, इसको ये रोम का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, इसे हम रोम कह सकते हैं, बायोस चिप जो होती है उसे हम रोम कह सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहां पर एक चिप दी हुई है, EMI बायोस, ठीक है, ये जो है क्या है, रोम का एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको पता चल गई होगी कि रोम क्या होता है और इसका एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है कि रोम होता क्या है, ठीक है। अब जो कुछ भी हम जैसे मान लीजिए मैंने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, मैं आपको डेस्कटॉप दिखाता हूं, तमाम एप्लीकेशन इंस्टॉल है, जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है, गूगल क्रोम है, ओपेरा मिनी है, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल किए हैं, और जैसे मान लीजिए ये मेरा सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर जो है कैमटेशिया, ये भी जो है इंस्टॉल होता है तो कहां जाता है, ये इंस्टॉल हमने किया है तो कहां गया, ये भी रोम में गया है, तो ये रोम होता है, ठीक है। रोम का काम होता है इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना, ठीक है, और रोम जो है परमानेंट एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। परमानेंट एग्जिस्टेंस का मतलब ये जो है, जैसे कि रैम की बात करें तो रैम में जो है हमारा डेटा जो है गायब हो जाता है पावर सप्लाई जाने के साथ साथ, ठीक है, अगर हम उसको सेव ना करें तो बिल्कुल वही उसके विपरीत जो है, रैम के बिल्कुल विपरीत जो है रोम की स्थिति होती है, और रोम में डेटा जो है हमारा परमानेंट एग्जिस्टेंस होता है, यानी परमानेंट नेचर का होता है रोम। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी और आपको रोम जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई आपके सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि रोम
में अगर कोई आपको दिक्कत आती है रोम को पढ़ते वक्त तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने रोम का एग्जांपल भी दे दिया है, जैसे कि बायोस जो होता है या फर्मवेयर जो हम लगाते हैं, ठीक है, वो रोम का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।